बोलू मैं आपको, बोलो जी। मुझे लगी है ये शुरू हो गई वीडियो बनाने, मुझे बोला पहले पानी दे, नहीं नहीं पहले मैं। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस अभी मैं अपने घर से ऊपर आ चुकी हूँ, तो अभी मैं जा रही हूँ दीदी के पास। आई मीन दीदी गए थे यहाँ अपने ही खेत में ऊपर, बहुत ज़्यादा दूर, मतलब जंगल में। तो वहाँ उनको अभी प्यास लग रही थी, तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि पानी लेकर आओ ऊपर। तो मैं अभी जा रही हूँ पानी लेकर ऊपर। तो अभी मैं अपने घर से थोड़ा सा ऊपर आ चुकी हूँ, तो ये रहा रास्ता ऊपर का, देखिए कैसा जंगल हो रहा है। तो मैंने पानी भी ले लिया है और मैंने दो सैप भी ले लिए हैं इसमें, देखिए। तो मैंने इस कागज़ को नीचे रखा था, तभी ये गंदा जैसा हो गया है, नहीं तो साफ ही था। तो अभी चलते हैं दीदी के पास। तो अब मैं आपको यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा लेती हूँ कि ऐसा जंगल में जा रही हूँ मैं। तो चलते हैं फिर अभी। तो अब मैं उनके साथ भी आपको मिलाऊंगी कि वो वहाँ पर क्यों गए हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखिए गाइस, जंगल में जाने के लिए ये रहा वो रास्ता जहाँ से कि मैंने जंगल में जाना है। देखिए यहाँ पर कितना जंगली जंगल हो रहा है, चारों साइड का व्यू तो ऐसा ही जंगल दिखाई दे रहा है, और सामने ही पार्क का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है अभी। और आज मौसम बिल्कुल क्लियर हो रहा है, 10-15 दिन हो गए हैं बारिश का नामोनिशान नहीं हो रहा है। और सामने ही नीचे आपको मेरा घर दिखाई दे रहा होगा, ये रेड टीन वाला हमारा नहीं है, इससे पीछे वाला हमारा है जो कि नहीं दिखता है, यहाँ से थोड़ा सा ही दिखता है। और फ्लैग जो थे हमारे यहाँ लेंटर पे आ गए, देखिए कैसे लहरा रहे हैं। और अभी मैं अपने आधे रास्ते में पहुँच चुकी हूँ, और दीदी वगैरह अभी दिखने का नाम ही नहीं है उनका, तो पता नहीं कहाँ पर होंगी। तो चलते हैं अभी, तो सीधा अब उनके पास जाकर स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली गाइस, अभी मैं दीदी के पास पहुँच चुकी हूँ। दीदी देखिए कैसे बैठे हैं, और इन बताइए आप मुझे, आपको ज़्यादा प्यास लगी थी क्या? इसकी एक बात बोलूँ मैं आपको, बोलो जी। मुझे लगी है ये शुरू हो गई वीडियो बनाने, मुझे बोला पहले पानी दे, नहीं नहीं पहले मैं वीडियो बना लेती हूँ, ये तरीका हुआ? नहीं नहीं, मैं पहले इनसे पूछती हूँ उसके बाद पानी देती हूँ ना, कि मुझे क्यों मांगा पानी। अगर कोई इतनी किसको अगर इतनी कोई प्यास लगेगी तो उसको पहले पानी देना चाहिए, उसको पहले। अच्छा ये लो, ये लो, पहले पी लो, पहले पी लो, ये लो सेब भी इसमें एक। शुक्र, थैंक यू। किस लिए? सेब और पानी लाने के लिए। ओह मोस्ट वेलकम। तो मेरे लिए कभी लाया तो नहीं है, पर चलो। तो आप ही गाइस ये पी रहे हैं पानी, मेरे लिए भी रख लेना थोड़ा सा, मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यास लगी है। तो मेरी थोड़ा सा इतना सा रख लो भी, मेरे पी लेती हूँ। पी लो पी लो। तो गाइस अभी दीदी ने कितना पानी पिया? पूरी आधी बोतल। तो अभी पियो ना, अभी बोल रहे मेरी सारी बोतल ख़त्म करनी, तो पी लो ना अभी इसको। बस बस इतना ही, इतनी गुंजाइश थी पेट में। पियो पियो, आप बोल रहे थे मेरे लिए रख लेना, तो ये पी लो। इतना इतना थोड़ा पी पाऊंगी, जितना पीना है थोड़ा सा बाद में पी लेंगे। देखिए शुरू हो गई, घर से पी के नहीं आए थे? बस बस मैं इतना ही पी सकती हूँ। ओहो इतनी कैपेसिटी, और नहीं तो क्या, आपकी तरह थोड़ी हर चीज की भूख आ गई ही आ गई, आ गई ही आ गई। पानी तो पीना चाहिए एक बोतल भर के। सेब, सेब कहाँ है? सेब नीचे, अब सेब खाऊंगी, सेब नहीं दूंगी आपको, थोड़ा सा देना पड़ेगा। ये देखिए मेरा सेब, और इसको मैं अब तरसा के खाऊंगी। क्या मैं यार, मैंने घर में भी खाया था, और पता है मैंने दो सेब लाए थे, एक अपने लिए और एक आपके लिए। तो एक ना पता क्या हुआ, मैं इधर नीचे ना मुझे थोड़ा सा मैं गिरी, तो मुझे एक सेब गिर गया, तो वो अब जाते वक्त मिला तो गाय इनको दे देंगे, क्योंकि खराब हो गया होगा। तो मिला नहीं मिला किसने देखा। तो अब आपको किस चीज़ का दूं मैं? आपने ये भी खा लिया, वो भी खा लिया। मैंने पापा ने, मम्मा ने, भैया ने घर में बैठकर खाए थे, तो चलो मैंने सोचा, मम्मा बोलने लगी कि इनको भी पहुंचा के दो, तो मैंने सोचा चलो मेहरबानी कर, चलो आप वीडियो बनाओ, मैं सेब का आनंद लेती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरे सामने नहीं खाना। तो पहले इस बोतल को बंद कर दो, गिर जाएगा पानी। आप भी तो कर सकती हो। मेरे हाथ में मोबाइल है तो मैं कैसे करूं? सेब को धोया था? हाँ मैंने सभी पांच, नहीं चार सेब धोए थे, तीन हमने खा लिए थे, मैंने, मम्मा और पापा ने, और एक आपके लिए लाया। तो आप मुझे बोलो आप इधर क्यों आए थे? पहले मैं सेब खा लेती हूँ ना, चलो तो मैं बोलूंगी भी नहीं, क्योंकि मुझे सेब की जगह सेब मिल गया, पानी की जगह पानी मिल गया, तो अब नहीं बोलूंगी, कोई टेंशन नहीं। चलो मैं सेब खा लेती हूं, अगली बार नहीं ला के दूंगी।
चलो ठीक है मैं सेब खा लेती हूं। अच्छा पहले ही सेब खाई गई, इसके बाद मैं इसको पूछती हूं। मैं नहीं बोलूंगी आज, रहने दो सब बात कटती हूं, सब बात नहीं करना मैं आपको ना। आप गाइस मैं यहां से ना आपको थोड़ा सा व्यू दिखा लेती हूं। तो यहां से गला माता का मंदिर भी दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको वो भी दिखा लेती हूं। तो आप जाओ भाड़ में। तो गाइस सामने का व्यू हो रहा है कुछ ऐसा। तो देखिए यहाँ पर ना हमारा जहाँ पर जंगल है वहाँ से टॉप पर आई हूँ मैं अपने जंगल में। तो यहाँ से देखिए कितना सामने एरिया दिखाई दे रहा है, और बादल देखिए नहीं है आज, तो मौसम बिल्कुल साफ है। और पर वहाँ पर मंदिर है माता, कौन सा मंदिर है, माता रानी का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है वहाँ पर। देखिए मैं थोड़ी सी जूम कर आपको दिखाती हूँ, वहाँ पर बहुत बड़ी पहाड़ी है। तो वहाँ पर मैं तो नहीं गई कभी, पर तो देखिए वहाँ का व्यू कुछ ऐसा हो रहा है, दूर दूर पहाड़ों का व्यू ऐसा इतना अच्छा दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पेड़ कैसे हो रहे हैं जंगल में, देखिए कितने लंबे लंबे पेड़ हैं। और यहाँ पर लोग ऊपर घास भी काट रहे हैं, और यहाँ पर ऊपर घास काटने के लिए भी है लोगों का, कुछ लोगों ने तो काट भी लिया है। और देखिए कैसा व्यू हो रहा है। तो गाइस जो दीदी थी वो चला गई है घर पहले ही, तो मैं अभी यहाँ पर बैठकर फ़ोन चला रही थी क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा नेट चलता था। तो अभी मैं भी चलती हूँ घर, और यहाँ से मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ भी ले लेती हूँ, तो नहीं तो घर में मार पड़ेगी कि अभी तक कहाँ गई थी। तो मैं थोड़ी सी लकड़ियाँ चुन के ले लेती हूँ। गाइस ये रही वो लकड़ियाँ, देखिए यहाँ पर कितनी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी हैं यहाँ पर भी हैं। तो अब मैं इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर चलती हूँ घर। तो गाइस अभी मैंने लकड़ी भी इकट्ठा कर ली है, तो मैंने थोड़ी सी लकड़ी इकट्ठी कर दी है, यहाँ पीछे दिख रही होगी आपको, मैंने इतनी सारी लकड़ी इकट्ठा की है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लकड़ी है पर ये निकल ही नहीं रही थी, तो मैंने थोड़ी सी ही बनाई है। तो मैं क्या करूँ, नहीं निकलती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए मैंने अभी लकड़ियाँ इकट्ठा करके यहाँ पर बांध भी ली हैं, मैं इतनी सी लकड़ियाँ लूँगी घर, क्योंकि देखिए यहाँ पर कैसा कुछ हो रहा है, यहाँ पर लकड़ियाँ निकलती ही नहीं हैं और यहाँ से भी नहीं निकलती हैं। तो मैं अब ये लेकर चलती हूँ घर। तो आप सीधा दीदी के पास, जहाँ पर दीदी होगी वहाँ तक मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, जब दीदी मिलेगी उसके बाद। फाइनली गाइस अभी मैं अपने घर में भी आ चुकी हूँ, तो मैंने पूरा घर छान लिया पर मुझे दीदी कहीं नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उनको कॉल भी की बट उन्होंने कॉल नहीं उठाई, तो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो गाइस आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे क्लोज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।